नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम आप सभी बिहार वासियों को। मैं डायरेक्टर ज्योति किरण का हार्दिक अभिनंदन है। अब सुनते हुए आपको काफ़ी हर्ष और खुशी होगी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 2213 बहाली आ चुकी है बिहार दरोगा की फिर से, तो अब सोने का बिल्कुल ना समय है। अब उठ जाइए और जगते हुए अपने सपनों को देखिए और जगते हुए उसे पूरा भी करिए, क्योंकि यह बहाली अगर चली गई तो फिर समझिए बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब एकदम इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है, जैसे कोरोना वायरस के पीछे हमने हाथ धोते धोते उसको भगाने में काफ़ी उसमें काम किया है भगाने का, क्योंकि कमज़ोर किया है हमने वायरस को। इसी तरह इस गरीबी वायरस को भी कमज़ोर करना है। और अब स्वागत करती है हमारा ये वैकेंसी, और हर साल वैकेंसी आती है, लोग हमारे सामने से बनते हुए चले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं हम कल पढ़ेंगे, हम परसों पढ़ेंगे, बहाने में टाल देते हैं, तो इस बार ये बहाना न चलेगा, क्योंकि इस बार गरीबी वायरस को हम पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक सशक्त बिहार को हम तैयार करना चाहते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिंह जी का, कि उन्होंने इस बारे में सोचा महिला सशक्तिकरण के बारे में और 35% आरक्षण दिया है। परंतु उपहास करने वालों भाइयों, आप सोचो कि जो महिला आरक्षण पे उपहास करते हैं, वह सोचिए कि ये जो नौकरी है ये आपके घर की महिलाओं के लिए भी है, और इस तरह से उपहास करके उनका मनोबल ना तोड़े, उन्हें आगे बढ़ाए। और अगर आप आगे बढ़ाएंगे अपनी महिलाओं को तो आपका घर आगे बढ़ेगा। लड़की है हमारी दो घर को सुख देती है, लेकिन लड़का हमारा एक घर को सुख देता है, फिर भी हम लड़कों में परे रहते हैं। ये मतलब मैं डिबेट नहीं करने बैठी हूँ, लेकिन फिर भी आप सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही घर बढ़ेगा। इसलिए कल मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहती हूँ ऐसे गार्जियन को जो अपनी बहुओं के लिए आते हैं इंक्वायरी करने, फ़ोन करने कि आपके यहाँ कोई बैच चालू हो रहा है क्या मेरी बहू को करना है, तो सुन के इतनी खुशी होती है कि लोग कितना सोच में बदलाव आ रहा है लोगों के। लड़कियाँ जहाँ हॉस्टल में आके पढ़ रही हैं, जहाँ अलाउ नहीं था लड़कियों को बाहर निकलना, कितना चेंजिंग आया है, कहीं ना कहीं ये आरक्षण का ही रूप है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अब बात बनाने से तो काम चलेगा नहीं, अब हम लोग को उस पर तत्पर होना है, और तत्पर होना है और फाइनली अपना रिजल्ट हम लोग फाइनल PDF में पाना चाहते हैं, जिसमें एक सीट हमारा सिक्योर होना ही है। इस होने ही है के लिए हमें आज से कमर कस के एकदम लग जाना है और जाने ना देना है इस वैकेंसी को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वैज्ञानिक रूप से आप देखें तो महिलाओं में आधा लीटर खून पाया जाता है पुरुषों की भांति, महिलाओं का दिमाग आधा KG कम है पुरुषों की भांति, तो भाई आरक्षण क्यों ना मिले। और उसके बाद भी घर के कार्य में हार्ड मानसिक करके ये महिलाएं लगी रहती हैं, हर एक को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन जहाँ अपने बारे में सोच लिया तो दुश्मन बन गया जमाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक अपने बारे में नहीं सोचिएगा तब तक करियर नहीं बनेगा मेरी बहनों, तब तक करियर नहीं बनेगा। अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा तभी करियर बनेगा आपका। इसलिए आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को वक्त दीजिए। देखिए सुंदरता दिन पर दिन ढल जाती है, पर नौकरी ऐसी सुंदरता है जो दिन पर दिन बेटरमेंट की तरफ जाती है, निखरते जाता है आपका रंग रूप, आपका व्यक्तित्व। इसलिए आप पढ़ जाइए। आज से मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी और हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप सब इंक्वायरी कर सकते हैं। यह हमारा इंक्वायरी नंबर है जो नीचे फ्लैश कर रहा है, इस इंक्वायरी नंबर पे आप फ्लैश ये इंक्वायरी कर सकती हैं। और दूसरी बात कि आप हमारा ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे भी चल रहा है, उसको कर सकती हैं, उनको ज्वाइन कर सकती हैं और अपना एग्जाम निकालने में हमारा सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। देखिए किसी टीचर की मजाल नहीं है कि आपकी नौकरी वो पार लगा दे, यह विद्यार्थी का ही कार्य है कि आपकी नौकरी पार लगा दे। हम भी पढ़ते हैं, हम लोग भी आगे अपना रिजल्ट बनाते जा रहे हैं और इसी के गाइडलाइंस में आपको भी गाइड करते रहेंगे। और अब रुकने का तो बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि 2213 बहाली आ चुकी है और आगे BPSC की बहाली आने वाली है, लगभग 1000+ सीट उसमें भी आने वाला है, और आगे इंटर स्तरीय +2 सचिवालय सहायक। तो अब कमर कस लीजिए, अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, अब आप तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए और एक नौकरी लीजिए और गरीबी वायरस को जड़ से मिटाइए। नमस्कार।